एमएनएस न्यूज लाइव पर देखते हैं हमारी आज की कुछ खास खबरें। कोरोना वायरस के चलते कई लोग एकांतवास में रह रहे हैं, जिसके कारण उन्हें मानसिक तनाव से भी गुजरना पड़ रहा है। इसी तनाव के चलते तमिलनाडु में होम क्वारंटीन में रह रहे एक शख्स ने नग्नावस्था में भागकर अपने घर के बाहर सो रही एक 90 साल की महिला को गले में काट लिया, जिसके कारण उसकी मौत हो गई। यह 34 वर्षीय शख्स एक हफ्ते पहले श्रीलंका से लौटा था, जिसके बाद उसे होम क्वारंटीन में रखा गया था, जिससे वह मानसिक तनाव में चल रहा था। कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन के बीच एक होटल कर्मी पैदल ही अपने घर की ओर निकल पड़ा, मगर उसे क्या पता था कि यह उसकी आखिरी यात्रा होगी। दरअसल मध्य प्रदेश स्थित अपने घर पहुंचने के लिए यह शख्स दिल्ली से पैदल ही निकल पड़ा। दिल्ली आगरा हाईवे पर आते ही उसके सीने में दर्द होने लगा, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर एमएनएस हिंदी लिखे और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर हाइक और इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिलहाल वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहे एमएनएस न्यूज लाइव के साथ। नमस्कार।